हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्णा दत्त पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपकी केमिस्ट्री टीचर काजल आपको केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ। जो हमारा टॉपिक चल रहा है मैटर, मैटर के चैप्टर से ही हमारे अलग अलग टॉपिक्स चल रहे हैं। आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण। को आई होप आप सभी सब स्वस्थ होंगे अपने घर पर। तो आज हम जो अपना टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक है इवेपोरेशन, वाष्पीकरण। बहुत बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि इवेपोरेशन क्या है, वेपराइजेशन क्या है, या बॉइलिंग पॉइंट क्या है, कैसे कैसे निकालते हैं, किस तरीके से ये स्टेट्स होती हैं। तो आज हम आपको सारी क्लियरली बातें बताएंगे इनकी, इवेपोरेशन होता क्या है, वाष्पीकरण होता क्या है। ठीक है, तो अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए इवेपोरेशन क्या होता है। इवेपोरेशन एक वो प्रोसेस है जब लिक्विड स्टेट वेपर में बनता है। वेपर मतलब जब लिक्विड स्टेट चेंज होती है गैसियस स्टेट में, उस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं? इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, वाष्प का बनना इवेपोरेशन कहलाता है। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्या है, ये वाटर है, ये वाटर है यहाँ पर, और ये वाटर किस में जा रहा है, ये जा रहा है हमारा गैसियस स्टेट में। यानी जब वाटर आता है तो क्या होता है, उसकी भाप से क्या होता है, बादल बनते हैं। उसकी भाप से क्या बनते हैं, बादल। तो जब वो भाप ऊपर जाती है, पानी की भाप जो है ऊपर जाती है, वो कौन एब्जॉर्व करते हैं, बादल। तो इस क्रिया को ही क्या बोलते हैं, इवेपोरेशन। क्या बोलते हैं इस क्रिया को, इस प्रोसेस को बोलते हैं इवेपोरेशन। आगे बात करते हैं, देखिए तो यहां समझते हैं इवेपोरेशन क्या होता है हमारा। देखिए ये क्या है, ओशन यानी ये समुद्र है, और समुद्र की सरफेस पे से क्या हो रहा है हमारा, वेपोरेट हो रही है। ये समुद्र की सरफेस पे से वेपोरेशन हो रहा है, यानी भाप में उड़ रही है पानी, उसकी सरफेस से भाप बन रही है, वेपर बन रही है। तो इस प्रोसेस को बोला है इवेपोरेशन। इस प्रोसेस को क्या बोला है, इवेपोरेशन। आगे हम बात करेंगे वेपराइजेशन और इवेपोरेशन में क्या डिफरेंस। देखिए ध्यान से देखिए इसका, ध्यान से देखो, ये इवेपोरेशन है। Evaporation is a substance change of phase from liquid to gas. इसका मतलब है evaporation एक substance की वो change state है जो liquid से gas में change होती है। वो state जो liquid से gas में change होती है, उस process को बोलते हैं हम evaporation। उस process को क्या बोलते हैं, evaporation। देखिए liquid state किस में change हुआ, गैस स्टेट में। लिक्विड द्रव किस में चेंज हुआ, गैस में। यानी इवेपोरेशन इज अ टाइप ऑफ वेपराइजेशन। इवेपोरेशन वेपराइजेशन की टाइप है, ना कि खुद वेपराइजेशन है, उसकी टाइप है। यानी वेपराइजेशन में भी भाप बनती है और इवेपोरेशन में भी भाप बनती है। यानी कि वेपराइजेशन में भी लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में जाती है, और इवेपोरेशन में भी लिक्विड स्टेट गैसियस स्टेट में जाती है। अब आप बोलोगे मैम इसमें डिफरेंस क्या है, दोनों ही चेंज हो रहे हैं हमारे वेपर में, तो इसमें डिफरेंस क्या आ गया कि वेपराइजेशन को टाइप बोला गया इवेपोरेशन। अब देखें यहाँ पे इवेपोरेशन हो रहा है, यहाँ डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये पानी है, ये क्या है, पानी है, और ये किस में जा रहा है, गैसियस स्टेट में जा रहा है। ये किस में जा रहा है, गैसियस स्टेट में। ठीक है, ये हमारा जा रहा है गैसियस स्टेट में। देखिए इवेपोरेशन प्रोसेस होता कैसे है। इवेपोरेशन इज अ चेंज ऑफ फेज फ्रॉम लिक्विड टू गैस दैट टेक्स प्लेस एट द सरफेस ऑफ अ लिक्विड। ये लिक्विड है और लिक्विड के पार्टिकल्स जो है उनमें मोशन ज्यादा हुआ, ज्यादा होने के कारण वो किस में चेंज हो गए, लिक्विड गैसियस स्टेट में चेंज हो गए। किस में चेंज हुए,
गैसियस स्टेट में अ रेंडम मॉलिक्यूल एट द सरफेस एक्वायर्स एनफ एनर्जी टू एस्केप द अट्रैक्शन फोर्स एमंग द मॉलिक्यूल विच होल्ड्स द लिक्विड टुगेदर। देखिए इवेपोरेशन किस तरीके से होता है, इवेपोरेशन होता है जैसे झरना देखा होगा आपने, जब झरने पे से ऊपर से पानी डलता है तो ऊपर से पानी डलने पर क्या होता है, नीचे के पानी में और जो वो ऊपर का पानी डला उन दोनों के बीच में टक्कर होती है। और आपको पता है कि मैटर का हर पार्टिकल, मैटर की कोई भी स्टेट हो उसमें हर पार्टिकल मोशन करता है, वो मोशन में रहता है। वो बात अलग है कि सॉलिड में जगह बहुत कम होती है इसलिए उसमें मोशन नहीं हो पाती, लेकिन मैटर का हर पार्टिकल मोशन करता है चाहे वो सॉलिड में हो, लिक्विड में हो या गैस में हो। लिक्विड स्टेट में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें मोशन होती है, और जब उनमें मोशन होती है उसमें इंटर पार्टिकल फोर्स जो है वो थोड़ा कम होता है, लेकिन होता है सॉलिड से ज़्यादा होता है इंटर पार्टिकल फोर्स, क्योंकि सॉरी कम होता है, क्या होता है उनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है, जब उनके पार्टिकल्स के बीच स्पेस होता है तो क्या होता है ऊपर से पानी डलता है, ऊपर से पानी डलने के बाद उनमें एक दूसरे के पार्टिकल्स में कॉलिजन होता है। और तुम्हें पता है जब किसी भी चीज़ में कॉलिजन होगा तो क्या होगा, उनके बीच टक्कर होने पर उनकी जो वेलोसिटी है, उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होती है, जो उनकी गतिज ऊर्जा है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। भैया जब वो इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वो आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ेंगे, जब वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी कि वो गैसियस स्टेट में चेंज होना स्टार्ट कर देगी, वो क्या होने स्टार्ट कर देगी, गैसियस स्टेट में चेंज होने स्टार्ट कर देगी। आपने सभी जब घूमने जाते हैं, झरने वगैरह को देखने जाते हैं पहाड़ों पर, तो क्या होता है ऊपर से पानी डलता है और जब वो टकराते हैं तो वो वेपर में उड़ने लगता है, वो भाप में उड़ने लगता है, तो वहाँ प्रोसेस होता है हमारा इवेपोरेशन का, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और जिसमें काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है वो तो आपको पता है, जब काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी तो वो गैसियस स्टेट होती है, तो वो गैसियस स्टेट में चेंज हो जाते हैं। वही ये सब चीज़ लिखी गई है, आपस में कॉलिजन करेंगे और इतना ज़्यादा कॉलिजन हो जाएगा कि वो गैस स्टेट में आ जाएगा, ठीक है, वो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए इवेपोरेशन की जो डेफिनेशन है, जो करेक्ट डेफिनेशन है वो क्या होती है, यहाँ देखो इवेपोरेशन मीन्स सिंपली वेपराइजेशन। इवेपोरेशन का मतलब क्या होता है, वेपराइजेशन, ये टाइप है वेपराइजेशन की, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अ लिक्विड, लिक्विड की सरफेस पे से इवेपोरेशन होता है, वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, दैट इज द पॉइंट, जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट से नीचे, बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे आपका वेपराइजेशन हो जाता है। इवेपोरेशन आपका बॉइलिंग पॉइंट से नीचे नीचे होता है। अब आप कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट यानी वेपराइजेशन, जो मैंने बताया था कि इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखिए वेपराइजेशन इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट हमारा कब आता है, बॉइलिंग पॉइंट हमारा जब आता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते करते उसको 100 डिग्री सेल्सियस पर ले जाएं। जब तक लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो जाएगा तब तक वो पानी वेपर में बनना स्टार्ट नहीं होगा, यानी वो उबलना स्टार्ट नहीं होगा, और जब वो उबलेगा तो उसकी वेपर बनेगी, तो उसी पॉइंट को हम बोल देते हैं, उस रिक्वायर्ड टेम्परेचर को बोल देते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये सब मैंने बात आपको पहले भी बताई थी कि बॉइलिंग पॉइंट किस पॉइंट पे आएगा, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर, जब लिक्विड का वेपर प्रेशर किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, जो बाहर का जो आपका वायुमंडलीय दाब है उसके इक्वल हो जाए। अब आप कहोगे मैम वायुमंडलीय दाब क्या है, इसका मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, तो देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 1 atm, atm होता है वायुमंडलीय दाब का यूनिट, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर।
अब वन एटमोस्फेरिक प्रेशर मतलब 760 mm, क्या होता है 760 mm, यानी 760 mm का जब प्रेशर लगता है, जब प्रेशर होता है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, तब वो चीज़ बॉइलिंग करना स्टार्ट कर देती है। इसका मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर हमारा बॉइलिंग पॉइंट होता है वाटर का। वाटर का क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट। अब ये तब वेपराइजेशन होगा इसका, लेकिन ई वेपोरेशन क्या होता है? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। अगर आप बोलने लगो मैम क्या 99 डिग्री सेल्सियस पर इवेपोरेशन की प्रोसेस होगा? बिल्कुल होगा। क्या 97 पर इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा? बिल्कुल होगा। क्या 3 डिग्री पर इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा? बिल्कुल होगा। वो बात अलग है कम होगा या ज्यादा होगा, लेकिन होगा, प्रोसेस जरूर होगा इवेपोरेशन पर। ठीक है, अब आगे आते हैं। डज नो बॉइलिंग पॉइंट अकर एंड द रेट ऑफ वेपराइजेशन डिपेंड्स ऑन द डिफ्यूजन वेपर थ्रू द बॉइलिंग बाउंड्री लेयर अबव। ये कह रहा है कि इसमें हमें बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इवेपोरेशन की रेट को निकालने के लिए हमें बॉइलिंग पॉइंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। बात समझ में आई? अब आगे इनका डिफरेंस और अच्छे तरीके से समझ लेंगे। देखिए एक बेहतरीन डिफरेंस है इनके बीच, इवेपोरेशन। यहाँ पे देखिए इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या होता है? ये पानी है और ये किस में जा रहा है? वेपर में। क्या तुमने इसको कोई भी टेम्परेचर दिया? कोई भी टेम्परेचर दिया? आप बोलोगे नहीं, कि नीचे तो हमने कोई भी बर्नर नहीं लगाया, कोई भी फ्लेम नहीं जलाई। तो अब यहाँ पे देखो बॉइलिंग, यहाँ क्या लिखा हुआ है? बॉइलिंग। अब इसको आपने गैस स्टोव पर रखा, गैस स्टोव आपने ऑन की, जब ऑन की तो ये क्या हुआ? उबलना स्टार्ट हुआ। उबलना स्टार्ट हुआ तब ये किस फॉर्म में गया? गैस फॉर्म में उड़ने लगा, गैस फॉर्म में उड़ने लगा। यहाँ पर हम क्या कहेंगे? यहाँ पर हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट के लिए किसकी जरूरत होती है? बॉइलिंग पॉइंट के लिए जरूरत होती है टेम्परेचर की। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बॉइलिंग के लिए? टेम्परेचर की। ये डिपेंड करता है टेम्परेचर पर, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, और जबकि वेपराइजेशन डिपेंड नहीं करता, ये किसी भी टेम्परेचर पर हो सकता है, एट एनी टेम्परेचर, एट एनी टेम्परेचर। अब आप बोलोगे अच्छा ये तो बता दिया एट एनी टेम्परेचर पर वेपराइट होने लगता है, लेकिन कि मैम हमें यहाँ समझ नहीं आया। आप जर्नल एग्जाम्पल लीजिए, जो हमारी लाइफ में जो हम डेली देखते हैं, आप वो एग्जाम्पल लीजिए। तो वो भी एग्जाम्पल हमारे पास है, चलो देखते हैं। देखिए आप खेतों में तो सभी गए होंगे, गए हो ना खेतों में? तो सभी जाते हैं। नहीं जाते हो तो जाके देख लेना, हमें समझ नहीं तो है कि ई वेपोरेशन क्या होता है। देखिए ये खेत है, खेत में पानी भर रहा है, अब बारिश का भी पानी भर रहा होगा, जाके देख लेना सुबह सुबह के टाइम पे। खेतों में पानी भर रहा है और खेतों में पानी क्या हो रहा है? ये जो फॉर्म आपको दिख रही है, फोग सी दिख रही है, ये कौन सी स्टेट है? आप बोलोगे मैम ये तो गैस है। अब भैया ये पानी किस में जा रहा है? गैस में जा रहा है। जब ये पानी गैस में जा रहा है, क्या तुमने खेत के नीचे आग जलाई? क्या तुमने खेत के नीचे आग जलाई? वो सुबह के टाइम भी हो सकता है जब आपका सूर्य उदय नहीं होता है, मतलब निकल तो जाता है लेकिन आपको नहीं दिखता है, उस टाइम पर भी आप देखोगे खेतों में कोहरा होता है। देखते हैं ना खेतों में एक फोम सी होती है, एक फोग सी चारों तरफ उड़ती रहती है, धुआं धुआं सा। तो वो प्रोसेस जो होता है वो इवेपोरेशन को होता है, और जब सूर्य निकल जाता है तो तब भी इवेपोरेशन होता है। इवेपोरेशन क्योंकि तब भी क्या होता है, खेत आप भरने जाते हो, 2 दिन बाद सूख जाते हैं, एक दिन बाद सूख जाते हैं, ज्यादा तेज धूप निकलती है वो एक दिन बाद सूख जाते हैं, और ज्यादा मतलब कम धूप निकलती है या जिस दिन सूरज नहीं निकलता है वो 2 दिन बाद सूख जाते हैं, लेकिन सूखते तो हैं। तो वही प्रोसेस होता है आपका किसका? इवेपोरेशन।
कौन सा प्रोसेस होता है? इवेपोरेशन। आपको दिख गया यहाँ, आपने कोई टेम्परेचर दिया अपने पास से, एक फिक्स्ड टेम्परेचर दिया? नहीं, एक किसी भी टेम्परेचर पर हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, कपड़े सबने सूखते देखे हैं, आपके भी सूखते हैं। अब कपड़े सूखते कैसे हैं? तो कपड़े में, कपड़े जो सूखते हैं उसमें कौन सा प्रोसेस होता है? या उसमें बॉइलिंग पॉइंट का तो कोई प्रोसेस ही नहीं होता। क्या तुम कहते हो कपड़े का कोई बॉइलिंग पॉइंट होता है? कपड़े का कोई बॉइलिंग पॉइंट होता है कहते हो? नहीं, इसमें क्या होता है? इवेपोरेशन प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है? इवेपोरेशन। देखिए, ये आपके कपड़े सूख रहे हैं, सबकी शर्ट स्कर्ट सब सूख रहे हैं, ठीक है। अब सूर्य निकला, सूर्य निकलने के बाद कपड़े सूखना स्टार्ट हुए, सूर्य ज्यादा तेज निकल जाएंगे तो क्या होगा? सूर्य ज्यादा तेज निकल जाएंगे तो क्या होगा? आपके कपड़े एक घंटे में सूख जाएंगे। लेकिन अगर सूर्य तेज नहीं निकलेगा तो आप क्या करोगे? आप पहले उसके मशीन में ड्रायर करोगे, मशीन में ड्रायर करने के बाद तब सुखाओगे, ठीक है। लेकिन वो सूखते तो तब भी हैं, सूर्य तेज निकल जाए या धीमा निकल जाए, वो सूखते तो तब भी हैं, पानी तो उसमें फिर भी वेपराइट होता है। तो ये जो प्रोसेस होता है कपड़े सूखने का, वो प्रोसेस होता है किसका? इवेपोरेशन का। इवेपोरेशन का। अब आप क्या हो गए? मैम बढ़िया समझ में आ रहा है एकदम, बिल्कुल आपके लिए बढ़िया ही समझाया जा रहा है, आपके लिए बढ़िया ही समझाया जा रहा है, बिल्कुल आपको दिखा दिखा कर, आपको एग्जांपल्स दिखा कर। मूवी होती है ना, मूवी में हम ड्रो देखते हैं, उनको लड़ते भिड़ते देखते हैं, तो हमें पूरा फीड हो जाता है माइंड में। तो हमने भी यही आपको मूवी दिखाई है कि ऐसे ऐसे कपड़े सूख रहे हैं, ऐसे ऐसे इवेपोरेशन हो रहा है, ठीक है। तो कपड़े सूखने में भी हमारा कौन सा प्रोसेस होता है? इवेपोरेशन होता है। क्यों होता है? क्योंकि पार्टिकल्स जल्दी जल्दी चलते हैं, जल्दी जल्दी चलते हैं वो, इस वजह से उनका काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है और वो गैसियस स्टेट में चेंज होने लगते हैं। अब यहाँ देखो, पानी पी रहे हैं हम, पसीना आ रहा है भाई गर्मियों में, अभी बारिश के पहले सबने पसीने पूछे हैं अपने, पसीना आ रहा है। अब पसीने में क्या होगा? क्या तुम खुद को उस पर रखते हो, अग्नि में रखते हो, अग्नि के पास जाते हो कि हाँ हमारा पसीना सुखा दे? जाते हो क्या? नहीं। तो आप बोलोगे हम तो नहीं जाते, तो आपका पसीना कैसे सूख जाता है फिर? पसीना आता है और फिर सूख जाता है, क्या वो सिर्फ पूछने से सूख जाता है? नहीं, आप पंखा चलाते हो उसके बाद पसीना या फिर खुद सूखने लगता है, जैसे उसको हवा मिली, हवा तेज चली तो आपका पसीना सूखने लगता है। वो इफेक्ट्स हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगी कि क्या क्या इफेक्ट के कारण इवेपोरेशन बढ़ेगा, ठीक है। यहाँ समझो कि पसीना आपको किस कारण सूखता है, पसीना यानी कि स्वेटिंग जो होती है वो इवेपोरेशन के कारण ही सूखता है। इवेपोरेशन प्रोसेस होता है तब तुम्हारा क्या होता है? पसीना सूखता है, ठीक है। ये बात क्लियर है आप सभी को? क्लियर ही होगी अब तो। नेक्स्ट देखो भाई, छत पे अब आपने सुना होगा बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, जो छत वाला पंखा है वो क्या दे रहा? आग बरसा रहा है, आग। तो क्या करोगे आप? टेरेस पे जाकर क्या करते हो? पानी छिड़काते हो। क्या छिड़काते हो? पानी छिड़क के आते हो कि वो थोड़ा ठंडी हो जाएगी। ठंडी होने के बाद जब हम पंखा चलाएंगे तो थोड़ी ठंडी ठंडी हवा आएगी, यही करते हैं। अब जब पानी आप छत पे डाल आए, उसके बाद क्या होता है? पानी कहाँ चला जाता है? वो पानी कहाँ चला जाता है? क्या वहां तुम टेम्परेचर जलाते हो? क्या छत के नीचे से आग जलाते हो? नहीं। तो वो क्या होता है? वो किसी भी टेम्परेचर पर, सूर्य के कोई भी टेम्परेचर पर वो वेपर बनना स्टार्ट कर देता है, इसलिए छत का पानी सूख जाता है, ठीक है। तो हमारा ये प्रोसेस भी इवेपोरेशन का है। नाउ जो डेली में है, जो जर्नल लाइफ में डेली यूज करते हो, डेली पोछा लगाया करो तब पता चल जाएगा। यहाँ क्या कर रहे हैं? मोपिंग हो रही है, मोपिंग यानी पोछा लग रहा है। अब घर में जब हम पोछा लगाते हैं तो पोछा लगाने के बाद क्या करते हैं? फर्श को नीचे से जलाते हैं? नहीं जलाते,
हम कोई टेम्परेचर उसे नहीं देते, वो खुद का ही उनका टेम्परेचर होता है, जिसके कारण वो इवेपोरेट हो जाते हैं, यानी कि भाप में, भाप के रूप में वाप उड़ जाते हैं। वो बात अलग है, आपको भाप दिखती नहीं है, लेकिन वो पानी कहाँ चला जाता है, वो पानी गैस में बन जाता है, इस वजह से वो पोचा सूख जाता है एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, ये बात समझ में आई? तो आज की क्लास हम इतनी ही रखते हैं, आई होप आपको ये बात क्लियर है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आई हो। तो बच्चों, अगर अच्छे से समझ में आई हो और आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो, तो एक बार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो जल्दी जल्दी, ताकि ऐसी ही बेहतरीन वीडियो आपको आती रहे। थैंक यू एवरीवन, आप सभी को मेरी तरफ से राधे राधे, जय श्री राधे कृष्ण।